का कुछ लर्न हो गई है कि कुछ स्कूल बढ़ा चढ़ा के फीस चार्ज कर रहा है, सरकार से अनुमति लिए बिना बहुत सारे स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है। कई जगह से शिकायत मिल रही है कि बहुत सारे स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा और भी कई तरीके की फीस चार्ज कर रहे हैं, एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फीस ले रहे हैं, जबकि अब तो ट्रांसपोर्टेशन पर कोई खर्चा भी नहीं हो रहा। कई स्कूलों के बारे में शिकायत मिली है कि उन्होंने अगर किसी बच्चे ने फीस नहीं दी है तो अपने यहाँ ऑनलाइन क्लासेस बंद करा दी है, उन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस फैसिलिटीज बंद कर दी। इतना नीचे करने की जरूरत नहीं होता है। सरकार ने फैसला लिया है आज, अभी एक आदेश जारी किया है थोड़ी देर पहले, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को, वो चाहे सरकारी सरकारी जमीन पर चल रहा हो या गैर सरकारी जमीन पर प्राइवेट जमीन पर चल रहा हो, उसको फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार से पूछे बिना कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता, वो चाहे प्राइवेट स्कूल प्राइवेट जमीन पर चल रहा हो या गवर्नमेंट जमीन पर चल रहा हो। दूसरा, कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस डिमांड नहीं करेगा, केवल ट्यूशन फीस डिमांड करेगा, वो भी महीना वार ले। कोई स्कूल पेरेंट्स को 3-3 महीने की फीस नहीं चार्ज करेगा। जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को स्कूल की तरफ से, प्राइवेट स्कूल की तरफ से, सभी बच्चों को देनी होगी। अगर कोई पेरेंट फीस नहीं दे पा रहा है तो उनके बच्चों का नाम ऑनलाइन टीचिंग से नहीं हटाया जाएगा, उनको ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं पाती जाए। सरकार ने फैसला लिया है आज और अभी एक आदेश जारी किया है थोड़ी देर पहले, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को, वो चाहे सरकारी सरकारी जमीन पर चल रहा हो या गैर सरकारी जमीन पर प्राइवेट जमीन पर चल रहा हो, उसको फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार से पूछे बिना कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता, वो चाहे प्राइवेट स्कूल प्राइवेट जमीन पर चल रहा हो या गवर्नमेंट जमीन पर चल रहा हो। दूसरा, कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस डिमांड नहीं करेगा, केवल ट्यूशन फीस डिमांड करेगा, वो भी महीना वार लेंगे। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन।